आप व्लॉग बनाते हो? उमेर खान, उमेर खान। 8 बजे एप्पल शॉप ओपन हुई। भेड़ बकरियों की तरह भाग रहे हैं। पीछे गाड़ी आ रही है। चाइनीज के साथ काम कर करके चाइनीज बन गया। यो हेलो व्हाट्सअप गाइस। सो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं, तकरीबन अराउंड 4 मंथ्स तो हो गए। सो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, सो देखो चलो वीडियो बना लेते हैं। एंड चूँकि आज है फ्राइडे एंड आज है आईफोन 16 की लॉन्चिंग, सुबह जाएंगे उधर दुबई मॉल। एंड अभी मैंने इनसे लिफ्ट मांग दी है कि जिम तक चौड़ा है तो थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, शवल भी कर लेंगे। हेलो गाइस, हाउ आर यू? लो यो 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 व्हाट्सअप। अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जिम। वो अभी जल्दी से जिम हिट करते हैं, देन लेट्स गो टू दुबई मॉल। ओके सो अभी हम जिम पहुँच गए एंड अभी मैं चेंजिंग रूम में हूँ। जल्दी जल्दी से प्री वर्कआउट बनाते हैं। प्री वर्कआउट मतलब मैं वो चीज़ें यूज नहीं करता, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट शिट, बट वेट लेट मी शो यू। नहीं निकल जा, किधर घुस गया। हाँ सबसे पहले तो पानी पीते हैं हम, जस्ट पानी। सी ए सी यूज़ करते हैं हम, इसमें विटामिन्स होते हैं आई थिंक सो, एंड थोड़ा एनर्जी डालने के लिए बस। एक कॉइन शेप होते ये लिया एंड इस बॉटल में डालना होता है ये एंड ये, इसमें थोड़ा पानी पी लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। गैस में मिक्स हो जाएगा एंड देन हम इसको पियेंगे एंड थोड़ी एनर्जी आ जाएगी हमें। ओके सो प्री वर्कआउट रेडी हो गया हमारा, अभी ये ड्रिंक करते हैं एंड लेट्स गो फॉर वर्कआउट। आप व्लॉग बनाते हो? कितने This is my brother Umer Khan. He's a good bodybuilder and he has a nice physique. Eh? Thank you. Welcome. He's my bodybuilder trainer. Yeah. HM Cross. Has a nice physique. No. He's very good. Very good. Perfect. Thanks. Okay, so workout तो हो गया। आज इतना वर्कआउट नहीं किया बट स्टिल अभी हम थोड़ा फ्लेक्स करते हैं। आई नो दिस इज़ नॉट जिम वीडियो, वर्कआउट वीडियो, बट स्टिल ब्रो वेट, आई एम चेंजिंग। चेंज तो नहीं कर रहा बट ओके सो जिम भी हो गया एंड अभी मैंने आउटफिट चेंज कर दिया क्योंकि वो पसीना पसीना हो गया था सारा। एंड नाउ वी विल गो टू रेस्टोरेंट, थोड़ा खाना भी चाहिए जिम के बाद।
क्योंकि फिर वो पंप नहीं रहता. एंड देन वी विल सी. फिलहाल खाना खाना ज़रूरी है. लेट्स सी यू देयर. मेरी नबड़ा दी मैंने पहले मेरा बड़े मार दिया हैं. आपको ना लाऊं? अब तो आ गए. आ गया बोझे मिर्च. मीठी चटनी नहीं डालनी थी लेकिन चलो. ओके गाइस, सो अभी हो रहे हैं 3:04 AM सुबह के. एंड अभी हमजा ने कॉल किया कि वो आ रहा है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू दुबई मॉल. तो सीन ये है कि तकरीबन 5 बजे मॉल ओपन होगा एंड 8 बजे एप्पल शॉप ओपन होगी. देन लाइन में लगना पड़ेगा, लाजमी बात है. एंड अभी जाते हैं उसके पास. मेरा वीडियो जोड़ूँगा. हम पहुंच गए दुबई मॉल. ये हमजा मेरे साथ है अभी. एंड अभी इधर अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या हाल होते हैं अंदर. तो मेरे ख्याल से बहुत ट्रैफिक होगा, लोग ज़्यादा होंगे क्योंकि लॉन्चिंग तकरीबन 8 बजे होगी एंड लाइन पे लगना पड़ेगा. मॉल तो बंद है अभी. मॉल भी बंद है. अभी हम वेट कर रहे हैं सिग्नल का. बटन प्रेस किया, पीछे आप मेरा देख रहे हैं. सीजन बुरा कज़न बुरा के सीजन बुरा के. एंड अभी जाएंगे अंदर, वो सामने दुबई मॉल. तो लाइट रेड है, ग्रीन हो जाए तो फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह. दुबई का कानून है ब्रो, वी कांट ब्रेक इट. सो अपडेट ये है कि अभी सब लोग इधर खड़े हैं और एज यू कैन सी 7 बजे ओपनिंग होगी एंड अभी 2 घंटे रहते हैं. सो वेट करना पड़ेगा. और एक मसला ये बना कि जिन्होंने प्री रिजर्वेशन करी है सिर्फ उनको जाने देंगे, तो हमने रिजर्वेशन नहीं करी. तो देखते हैं क्या होता है आगे. झोल में तो पड़ गए. लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट. भेड़ बकरियों की तरह भाग रहे. कैसे है भाई? बुकिंग है ना? ठीक नहीं है, विदाउट बुकिंग नहीं छोड़ता. वही मैं बोल रहा ना, बुकिंग वाला ना, खाली हाथ वापस आए. सो एज आई सेड बिफोर कि विदाउट बुकिंग नहीं देंगे. बट स्टिल हमने वेट किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा एंड खाली हाथ वापस लौट रहे हैं. लाइट बंद हो रहा है. लाइट ग्रीन है तो भाग के जाते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं कि ब्लिंक होने लग गए. हाँ चलो अभी जाके सोते हैं, फिर आज जुम्मा भी है, जुम्मा भी पढ़ना है. लेट्स सी यू देयर. स्टे ट्यून. हेलो, गुड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टुगेदर. तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज जुम्मा है तो जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं. कैसर भाई हमारे साथ, जो कि आधे चाइनीज़ है आधे पाकिस्तानी है. चाइनीज़ के साथ काम कर कर के चाइनीज़ बन गया. तो वही अभी चलते हैं. लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम पे तो जगह ढूंढनी पड़ेगी. आप देख सकते हैं उधर लोग जा रहे हैं मस्जिद के साइड पे. उधर छोटी सी मस्जिद है लेकिन मस्जिद के बाहर लोग जाने मास फैला के उधर साइड पे नमाज पढ़ लेते हैं. तो वही अभी चलते हैं. थोड़ा धूप ज़्यादा लग रहा है तो छाव में जगह ढूंढते हैं और उधर नमाज पढ़ते हैं. फिर तो सी यू आफ्टर प्रेयर. खुतबा शुरू हो गया, मिलते हैं फिर.
पीछे गाड़ी आ रही है, मेरे को तो नहीं देख रहा। ये मैंने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि धूप बहुत लग रही है। हैं, और दुबई का धूप कैसा होता है? तुमने तो खैर कैप पहना हुआ है, एंड लोगों का हुजूम आप देख सकते हो मेरे पीछे में, इतने ज़्यादा लोग आते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने माशाल्लाह। तो इधर गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो बाकी के सुनते रूम में पढ़ते। अभी वो गया उधर अपनी बाइक खड़ी करने, एंड मैं जा रहा हूँ रूम। सिर्फ आप लोगों को ये दिखाना था कि ये इधर चैरिटी बॉक्स या कुछ भी कह सकते हैं इसको, कपड़े वेस्ट करने के बजाय इसमें डाल के तो किसी के काम आ जाते हैं। ये इधर बहुत अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने, इससे आप निकाल नहीं सकते, इनकी अपनी बाल्टी है वो निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे। है गाइस, तो जुम्मा पढ़ने के बाद हम अभी आए हैं। नवाज़ भाई को मैंने कॉल किया था क्योंकि जुम्मा तो उनकी छुट्टी थी, तो वो अभी आए हैं, एंड चलते कहीं घूमने, खुद भी घूमते आपको भी घुमा। ये रहे नवाज भाई। सो अभी हम पहुंचे हैं बार की शॉप पे, नवाज़ भाई के दाढ़ी बनाने। हम जाने वाले हैं, आई थिंक मैंने नहीं बताया, हम जाने वाले हैं क्रूज़ पर, डिनर है हमारा। तो मतलब एक क्रूज़ होती है जिस पे रेस्टोरेंट टाइप का है लेकिन क्रूज़ में होता है पानी के ऊपर। सो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। हम चार बंदे जाने वाले थे, मैं, तलहा एक उसका फ्रेंड था, एक नवाज़ भाई थे। वो दोनों कॉल पिक नहीं कर रहे, हम लेट भी हो गए उसकी वजह से। एक क्रूज़ तो निकल गई, दूसरी क्रूज़ है 7 PM को, तो हम कोशिश करेंगे उधर पहुंचने की। एंड अभी नवाज़ भाई दाढ़ी बनाते हैं और चलते हैं उधर। एंड फर्स्ट टाइम है मेरा क्रूज़ पे, पहले मैं कभी नहीं बैठा, एंड फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। लेट्स सी व्हाट हैपन, आई होप वी विल एंजॉय इंशाल्लाह, सो यू विल एंजॉय टू विद मी, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, सो वी हैव अराइव टू आवर लोकेशन, एंड ये पार्किंग फ्री पार्किंग दी हुई इन्होंने, एंड सही है, काफ़ी सहूलियत है, लोग तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दिख रहे हैं उधर, तो लेट्स सी। ओके, सो दिस इज द व्यू। ओके, ये हमने पास ले लिया है, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, आप भी अगर जाना चाहे तो इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं उधर क्रूज़ पे, वो उधर खड़ी हो जो ब्लू लाइट लगी हुई है जिस पे। ओके, सो अभी हम क्रूज़ पे बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत कंजस्टिंग जगह है, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं क्योंकि ऑफर लगी हुई थी ऑब्वियसली, एंड अभी लोग खाना खाने गए हैं, बुफे सिस्टम है, तो अभी थोड़ा टाइम मिला ब्लॉग बनाने का। सो ये सीन है, हम आउटसाइड बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, एंड बोट अभी चल रही है, ब्रिज बोट, मतलब 40 दिरहम में इतना काफ़ी है, मतलब इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सजेस्ट करूँगा लेकिन नहीं भी करूँगा, क्योंकि अगर आप तंग होने वाले आदमी हो तो फिर तो मत आओ, दोस्त फ्रेंड्स वगैरह साथ हो तो फिर आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, माफ़ी मुश्किल। एंड लेट्स एंजॉय द व्यू। मेरा बैकअप आ रहा है, उसके साथ मेरा बैकअप आ रहा है।
ओके सो गाइस ये था हमारा आज का सफ़र और मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। मतलब फ्रेंड्स के साथ आते हो तो और भी मज़ा आएगा, तो इन्जॉय किया खूब। 40 दिरहम में यार बुफे भी दे रहे हैं, डांस नाच गाना भी हो रहा है, सही है। एंड इन्जॉय करा रहे हैं 40 दिरहम में, बहुत अच्छा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक चाहे जूता मार के लाइक करो, जो भी करके बस लाइक आना चाहिए। एंड कमेंट में गाली दो जो भी दो, लेकिन कमेंट करो लाजमी, सही है। अभी हम चलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Let's have a bit